दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय के सपोर्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम संजय है। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको प्लान दिखाने के 7 स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ। वो पहला स्टेप है साथियों, कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो हम जो हमें लेकर के जाता है कि प्लान दिखाना है, उस प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो उस प्रोस्पेक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। उस गेस्ट से हमको जानकारी कर लेनी चाहिए कि वो बंदा कैसा है, उसके बारे में। और भी माध्यम है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें उस व्यक्ति के बारे में पूर्णतया जानकारी कर लेना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, वो व्यवसाय का क्या करता है, वो नौकरी करता है, तो उसके बारे में पूरा हमको उसके बारे में हमको पूरा अध्ययन करके तभी हमें उसको प्लान दिखाने के लिए जाना चाहिए। ये नंबर एक का स्टेप है प्लान दिखाने का। नंबर दो पे हम चलते हैं, तो नंबर दो पे क्या आता है कि हमको प्रोस्पेक्ट के पास जाने के लिए टाइम लेना चाहिए। हम उसे आधे घंटे का, 45 मिनट का, 1 घंटे का मैं टाइम मांग लूँ उसे कि आपके पास क्या टाइम है। ऐसा तो नहीं कि मैं गया और 1 घंटे तक मैं प्लान दिखाता रहा और उसके पास टाइम है 10 मिनट के लिए। अब वो मन ही मन में ये सोचेगा, उसके दिमाग में तो कहीं जाने का लगा रहता है, और आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान में इतने इमेजिन होए जा रहे हैं कि प्लान वो देख रहा है और धीरे धीरे करके आज तो मेरा काम हो जाएगा, आज ये ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो कभी ज्वाइनिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसका प्लान तो कहीं और है जाने का। और मन ही मन आपको गाली देता रहेगा कि इसका प्लान जल्दी ख़त्म हो, इसे मैं विदा लूँ, जल्दी आगे निकलूँ। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले उसे उसके साथ उसको फ़ोन करके या उससे मिल के जैसे भी हो उससे टाइम लेना है कि भाई साहब क्या आपके पास आधा घंटे का टाइम है, 45 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। जो भी वो बोले कि आज मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, आप प्लान दिखाइए। तो आप जब प्लान दिखाएंगे तो उसके पास आधे घंटे का टाइम रहेगा, तो वो आधे घंटे मन लगा के आपका प्लान देखेगा, आपको मना नहीं करेगा, पूरा प्लान देखेगा, तब उसके समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में वो का 10 मिनट का टाइम है उसके पास और आधे घंटे आप लगे हैं, तो उसका मन नहीं लगेगा और आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा, रिफ्यूज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा स्टेप यही कहता है कि हमें उससे पहले टाइम ले लेना चाहिए कि आधे घंटे का टाइम हमें चाहिए, आपको हम प्लान बिजनेस प्लान दिखाने चाहते हैं। तो अगर वो कहता है कि हाँ मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, आप प्लान दिखाइए, तो बखूबी अच्छे से आप प्लान दिखा सकते हैं। नंबर तीन स्टेप, जब भी प्लान दिखाने जाएं तो प्रोस्पेक्टिव के साथ बैठें। ये नहीं कि पहुंचते ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और पहुंचे तुरंत डायरी पेन निकाली और प्लान देना चालू हो गया। क्या करना होता है प्रोस्पेक्ट के पास जाने के बाद? आपसे उसके कनेक्टिंग होनी चाहिए। पहले आप उसके फैमिली के, परिवार के बारे में बात करें, कुछ कनेक्टिविटी आनी चाहिए। जब तक आपकी स्नेहिता, एक प्रेम नहीं जगेगा, तब तक प्लान नहीं स्टार्ट करना चाहिए। कनेक्टिविटी होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में जाने, उसकी फैमिली के बारे में जाने कि फैमिली में कौन कौन है, वो व्यवसाय क्या करता है, वो नौकरी करते हैं, वो कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, माता पिता, सब के बारे में एक आंतरिक स्नेहता जब तक नहीं जागृत होगी तब तक प्लान नहीं दिखाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य तीसरा स्टेप यही है कि आप जब भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो उसे डायरेक्ट प्लान दिखाना स्टार्ट ना करें, उसे उसे पहले कनेक्टिविटी बनाएं। नंबर चौथा है एग्जाम्पल देस थी थिंग थिंग्स। वो ये चाहता है कि आप क्या करते हैं, और वो ये चाहता है आपसे, वो ये जानना चाहता है कि वो कितना पैसा आपके इस प्लेटफॉर्म से कमा सकता है, और वो एग्जैक्टली क्या करना होगा इसमें,
वो ये भी जानना चाहता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा इस प्लेटफॉर्म में और हम यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हैं और हमें करना क्या होगा कि हम इसमें इतना पैसा कमाएं। तो उसको उस हिसाब से उसको आप जानकारी दीजिए कि आप यहाँ से इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से आप करके इतना पैसा आप कमा सकते हैं। तो 3 स्टेप इस चौथे में हैं, 3 स्टेप हैं कि आप क्या करते हैं और वो कितना पैसा कमा सकते हैं, सकता है, और एग्जैक्टली क्या करना होगा। तो आप चौथा स्टेप यही कहता है। पांचवें स्टेप पे हम चलते हैं। तो पांचवा स्टेप ये है कि जब भी हम प्रोस्पेक्ट के पास प्लान दिखाने जाएं, जब प्लान मेरा पूरा हो गया कि हमको आप इसमें इतना ऐसे ऐसे करके पूरा जब प्लान आप डायरी पेन में दिखा देते हैं, तो एग्जैक्टली वो लास्ट में ही कहता है कि हमें इसमें आखिर करना क्या होगा कि हम और कितना पैसा हम इसमें कमा सकते हैं। वो इमेजिन करने लगता है, वो सोचने लगता है कि हम यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। जब पूरा प्लान आपका लास्ट हो जाता है तो फिर वो सोचने लगता है कि आखिर हमें इतना पैसा कैसे मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, और इमेजिन करने लगता है, उसके सपने स्टार्ट हो जाते हैं मस्तिष्क में आने। तो ये होता है। तो अब इसके बाद पांचवा स्टेप आता है। आपको प्रोस्पेक्ट से जब पूरा प्लान आप दिखा लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट से ये पूछना चाहिए कि प्लान में क्या क्या आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट में आपको क्या क्या अच्छा लगा। ये चीज़ आपको बहुत ही जरूरी है कि आपसे उससे पूछ लें। ऐसा नहीं कि आपने प्लान दिया और दे करके रफू चक्कर हो गए कि अब उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ऐसे नहीं चलने वाला। जब आप पूरा प्लान दिखाए हैं तो उसको ये भी जाने कि आपको इस प्लान में आपको कैसा लगा, प्रोडक्ट मेरा कैसा लगा, उसके जानिए। ऐसा नहीं है कि वो अपना प्लान दिखाए और रफू चक्कर हो गए तो आप कोई राजनीतिक टिकट तो बांट नहीं रहे कि राजनीतिक टिकट दे रहे हैं आप, वो आपके पीछे पीछे भागा भागा चला आएगा और आप दोबारा उसको फॉलोअप नहीं करेंगे। तो आपको फॉलोअप भी करना है, उससे पूछना है कि भाई साहब आपको जो मैंने अभी आधे घंटे के अंदर प्लान दिया है वो प्लान आपको कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, ये सब चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। अब आगे छठा स्टेप आता है कि आराम से उससे पूछिए कि इस प्लेटफॉर्म से उनके और उनके परिवार के जिंदगी के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना सुखद होगा। ये पूछने के बाद उसके मन मस्तिष्क में एक सुखद अनुभूति स्टार्ट हो जाएगी। वो एक इमेजिन करने लगेंगे इस प्लान के, क्योंकि आपने पूरा प्लान बताया है, पैसे बताए कि आप यहाँ से इतना अर्निंग कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछिए कि आराम से, बहुत ही आराम से उनसे पूछिए कि आप इस उनके और उनके परिवार के जिंदगी के लिए ये कितना सुखद होगा। तो वो इमेजिन करने लगते हैं कि हमारे लिए ये प्लान बहुत ही बेस्ट है, ये कंपनी बेस्ट है, हमें करना चाहिए। तो इससे इसके अच्छे परिणाम, गुड परिणाम निकल कर सामने आते हैं और बंदा जरूर ज्वाइन करेगा। लास्ट सातवां स्टेप है कि जब भी आप प्लान दिखाएं तो सातवां स्टेप यही कहता है, कुछ टूल्स आप लेकर के जाएं, जैसे कि कोई टूल्स बुक होती हैं या और भी आपके कोई प्रोडक्ट है तो आप टूल लेकर के जाएं, टूल उसको टूल से दें, और साथ ही साथ अगली मीटिंग के लिए भी टाइम आप फिक्स कर लें अभी से कि भाई साहब अगले किस डेट को मैं आपसे मिलूं और किस टाइम आपसे मैं फिर पुनः आपसे भेंट करूं, और मेरे प्लान को आप फिर सोचिएगा, आप बताइएगा कि आपका प्लान कैसा लगा। मैं अगली डेट को आपसे पुनः जो आप डेट बताएंगे, जो आप टाइम बताएंगे, मैं उस टाइम में आपसे पुनः मिलना चाहता हूँ। तो वो डेट बताएंगे और टाइम बताएंगे। तो ये डेट और टाइम सातवां स्टेप ये बोलता है कि आप उनसे मीटिंग का टाइम, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम आप उनसे ले लीजिए। तो ये 7 स्टेप हैं। अगर ये 7 स्टेप आप फॉलो करते हैं
तो माय डियर फ्रेंड 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये ज्वाइनिंग कोई रोक नहीं सकता है और आप आगे सफलता की ओर धीरे 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 बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों ये 7 स्टेप आप फॉलो करें और देखें कि अपने जीवन में अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मलम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो ये 7 स्टेप को आपको अमल में लाना चाहिए और आज से ही अमल में लाना शुरू करिए। ये वीडियो आप पूरा देखिए, इस वीडियो को और भी मित्रों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करिए। 7 स्टेप अमल में लाइए और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। ये प्लान जो देंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।